ही कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 17 टाइम्स की परीक्षा दी गई थी और वे लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सभी को बता दिया कि भैया हमने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप लोगों के जारी कर दिए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे ले सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहां से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बैक टू द टॉपिक, बैक टू द वीडियो चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने तकरीबन एक वर्ष पहले AIB 17 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया था। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करती है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पहले भी दे चुकी है, लेकिन हाल ही में यानी एक या दो दिन पहले, मैं बता दूं आप लोगों को, दिनांक 12/4/2024 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी की। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा नोटिफिकेशन में बताया कि भैया हम लोगों ने आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हैं, जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा AIB 17 की परीक्षा दी गई थी उनके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हम लोगों ने जारी कर दी है। आप लोगों के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपकी स्टेट बार काउंसिल्स को भेज दी है, आप वहां पर जाकर के अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो COP है, कौन लोग इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, कौन लोग इस चीज के एलिजिबल हैं और ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर वर्ष AIB की परीक्षा कंडक्ट कराती है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की AIB की परीक्षा वे लोग दे सकते हैं जिनके द्वारा LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो और वो लोग अपनी जो भी स्टेट बार काउंसिल है और जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल है जहां पे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है, आपको क्वालिफाइंग करना आवश्यक है। आप जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को क्वालिफाइंग कर लेते हैं उसके बाद आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के मतलब COP के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ बार काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भराती हैं, कुछ बार काउंसिल सीधे ही डायरेक्टली ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करा देती हैं। कुछ बार काउंसिल्स में आपको आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराती हैं। हर बार काउंसिल का अलग अलग प्रोसीजर है COP प्रोवाइड कराने के लिए, तो आप उस चीज के लिए अपनी स्टेट बार काउंसिल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी, मैंने जैसा आपको बताया, दिनांक 12/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी की। नोटिफिकेशन में सीधे तौर पर बताया, मेरी स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन आ रही होगी, डियर कैंडिडेट्स, इट इज नोटिफाइड That COP of AIB 17 examination has been dispatched to the all state bar councils. यानी आप लोगों के द्वारा जो AIB 17 के एग्जाम दिया गया था उनके जो जो COP जो थे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस थे, हम लोगों द्वारा आपकी स्टेट बार काउंसिल में डिस्पैच कर दिए हैं। वी काइंडली रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट्स टू कलेक्ट देयर COP फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो भी COP हैं आप अपनी स्टेट बार काउंसिल से कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी और फर्दर असिस्टेंस रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने यहाँ पे भी क्लियर किया कि भैया देखिए, जो इंक्वायरी करनी है आपको COP के रिगार्डिंग या आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ COP, आप मतलब कलेक्ट करने के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप अपनी प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल डायरेक्टली। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सीधे कह दिया कि भैया आपको अगर कोई इंक्वायरी चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ AIB 17, तो आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में कॉन्टेक्ट कीजिए, आपकी स्टेट बार काउंसिल आपको बताएगी कि भैया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमारे पास आ गए हैं या नहीं आए हैं, या आप कब अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है आप स्टेट बार काउंसिल से कलेक्ट करा सकते हैं। देखिए एक चीज और बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कुछ समय पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिस नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बताया था कि भैया जिन लोगों द्वारा AIB 17 की परीक्षा दी गई है उनके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हम जनरेट कर रहे हैं, जनरेट करने से पहले आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आपका नाम गलत है या आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था या जो भी, अगर कहीं आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ करेक्शन है
तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट का जो ऐप था नोटिफिकेशन दी थी, नोटिफिकेशन में ऐप के रिगार्डिंग बताया था कि ऐप है भैया ये, यहाँ पे आप अपना AIB का जो COP है, AIB 17 का COP है वो केवल आप देख सकते हैं, और अगर कुछ करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको टिक करके वेरीफाई कर सकते हैं, तब आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का जो COP था वो जनरेट हो जाएगा। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन समय समय पे आपको नोटिफिकेशन देती रही है रिगार्डिंग द COP, रिगार्डिंग द AIB 17 का जो फुल प्रोसीजर था उसके रिगार्डिंग। तो अभी ये AIB 17 का फाइनल प्रोसीजर है, और शायद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 17 के रिगार्डिंग सभी प्रोसीजर्स अब बंद कर देगी, चूंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने फाइनलाइजेशन में आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी कर दिए हैं। और आपकी स्टेट बार काउंसिल, आप जिस भी स्टेट बार काउंसिल से बिलोंग करते हैं, आप अपनी स्टेट बार काउंसिल से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू कलेक्ट योर COP। अगर आपने, देखिए एक चीज और बता दूं, अगर आपने कुछ स्टेट बार काउंसिल जैसा मैंने बताया डिक्लेरेशन फॉर्म भर पाती हैं, अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके भेज दिया होगा अपनी स्टेट बार काउंसिल को, तो शायद आपको COP शायद कलेक्ट हो गया होगा। यदि आपने डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपनी स्टेट बार काउंसिल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो COP है उसके लिए स्टेट बार काउंसिल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसा अभी नोटिफिकेशन बताया कि भैया आप अपनी स्टेट बार काउंसिल से कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हर स्टेट बार काउंसिल्स का अलग अलग डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, अलग अलग प्रोसीजर होता है रिगार्डिंग द सीओ प्रोवाइडिंग द सीओपी। तो आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल्स में कॉन्टैक्ट करना है, आपको वहां पे बताना है कि भैया हम अपना COP जनरेट करना चाहते हैं, या हमने AIB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, पास कर ली है, अब हमें COP की आवश्यकता है, हमें COP कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, हमें प्लीज करके बता दीजिए। तो आपकी स्टेट बार काउंसिल है, या आपकी जो जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग प्लेस है, वहां की डिस्ट्रिक्ट बार जो होगी आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिस बार में आपका रजिस्ट्रेशन है वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि COP प्राप्त करने के लिए प्रोसीजर क्या है। तो ये सबसे सरल उपाय है COP प्राप्त करने का, या आप जिस भी सीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं तो आप उन सीनियर से पूछ सकते हैं कि सर COP कैसे प्रोवाइड होता है, तो वो आपको बता देंगे प्रोसीजर रिगार्डिंग योर स्टेट बार काउंसिल, क्योंकि हर स्टेट बार काउंसिल का अलग अलग प्रोसीजर होता है, वही उसी के अकॉर्डिंग ही आपको COP प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी AIB 18 की भी परीक्षा कंडक्ट कराई है, अगर आपने AIB 18 की परीक्षा भी पास कर ली है तो आप भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो COP का जो प्रोसीजर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप भी COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेट बार काउंसिल्स में, या जो भी प्रोसीजर्स हैं स्टेट बार काउंसिल्स के या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जिसके रिगार्डिंग आप COP प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू COP प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अंत में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, या अगर आपके कोई मित्र हो जो LLB कर रहे हो या लॉ की परीक्षा AIB की परीक्षा देना चाह रहे हो तो आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।